यह कविता विनोद कुमार माडेवाल जी की है। वह बाबूराव नगर, गोड नदी, तहसील शिरूर, पूना, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कविता का नाम है बाल मजदूर। बाल मजदूर मजबूर है, कंधों पर है जीवन का बोझा, किताबों की जगह है रद्दी का बोझा। पेट भरना होता क्या है आज तक उसे मालूम नहीं, चैन की नींद सोना क्या है आज तक उसने जाना नहीं। बचपन कहाँ खो गया वो मासूम क्या बताएगा, जीवन सड़क पर गुजर गया वो यादें क्या सुनाएगा। बाल मजदूरी पाप है, नियम तो बना दिया, ये उसके हित में है या जीवन कठिन बना दिया। जब आज ही खतरे में है वो क्या भविष्य बनाएगा, जब पेट की भूख ही चिंता है तो वो क्या पढ़ने जाएगा। बाल मजदूर मजबूर है, नियम और सताता है, अगर देश का भविष्य बनाना है तो इस मजबूरी को हटाना है। किस गुमनाम अंधेरे में ए भारत तू पनप रहा, जहाँ युवा बल ही शक्ति है कैसे अंधेरा गहरा यहाँ। इन मासूम की आँखों में कोई सपना भी भूल कर ला आए, इन नन्हों की जीवन में कोई अक्षर ज्ञान का ला आए। ऐसे हालातों को देखकर सच में फिर वही याद आती है कि मंदिरों की दान पेटी को भरने से ज़्यादा अच्छा है इन बच्चों की मदद करना, इनका जीवन बनाना। जब पीके जैसी फिल्में सच्चाई दिखाती है, पर क्या जो भगवान एक अद्भुत शक्ति है वो हम जैसे तुच्छ लोगों के चंद सिक्कों पर चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन पैसों की ज़रूरत भगवान को नहीं, इन जैसे बाल मजदूरों को है। यह पैसा राजकोष में जाता है और फिर काला बन जाता है, जिससे नेताओं के जीवन में उजाला आता है, पर इन मासूमों के जीवन में अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। धन्यवाद।